सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाली सिंह और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। शहर भर के बेसिक हो या प्राथमिक, सभी विद्यालयों में बाल दिवस की धूम रही। वहीं दूसरी ओर यस वी कैन वेलफेयर सोसाइटी ने सेवला स्थित विद्यालयों में इस दिवस को सवाल दिवस के रूप में मनाया। कारण था विद्यालय के इर्द गिर्द पसरी अर्थव्यवस्था, साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने शिक्षा अधिकारियों से शिक्षा के अधिकार के लिए गुहार लगाई। जब स्कूल के छोटे छोटे ननिहाल में विद्यालय में पसरी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो बच्चों ने अपनी व्यवस्था कुछ इस प्रकार बयां की। गंदगी है इसलिए हम स्कूल बनाते हैं, ऊपर लैट्रिन बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं उस जगह पे, तो हमें अच्छा स्कूल चाहिए। गंदगी है यहाँ पर, वो लैट्रिन है नहीं, वो वहाँ पर स्कूल था, पुराना स्कूल था। पर कोई कोई सफाई वाला कोई आता है या नहीं आता? नहीं आता। आपके और कोई अधिकारी टॉयलेट कहाँ जाते हैं? जो करके जाते थे। साथ ही साथ संस्था की प्रबंधक प्रीति फौजदार ने बताया कि विद्यालय में लगा हुआ तालाब है जिसमें पहले कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रशासनिक अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मैं गुरुकुल चलाती हूँ, वहाँ की प्रिंसिपल हूँ। ये जो बच्चे यहाँ प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं उसकी स्थिति इतनी खराब है कि बगल में तालाब है, 5 लोग उसमें मर चुके हैं। ये स्कूल की बाउंड्री नहीं है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई बच्चा उसमें जाके गिर सकता है। तो मैं सरकार से ये सवाल पूछती हूँ कि इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार होगा। मैंने यहाँ के टीचर से पूछा था, हमने जन सुनवाई में डाला है, जन सुनवाई से हमारे पास रिटर्न में है। उन्होंने कहा है सरकार के पास पैसा नहीं है। हाँ, सरकार के पास पैसा नहीं, वो लेटर हमारे पास है। सुविधा ये है कि सबसे पहले जो उनका सरकारी स्कूल था उसको बाथरूम बना दिया गया, उसके बाद उन्हें ये बिल्डिंग दी है जिसमें कि 400 बच्चे हैं, 400 बच्चों के लिए 2 कमरे हैं। आप बताइए, 2 कमरे और 2 टीचर कैसी पढ़ाई करेंगे। मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि सरकार या तो इस बिल्डिंग को नया बनवाए या इन बच्चों को एक कोई दूसरी जगह दे। बच्चों की समस्या ये है कि ना इनके लिए प्रॉपर जो है सुविधा है, ना ही इनके लिए जो है प्रॉपर कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है, और बाकी जो है गंदगी इतनी है कि बच्चे जो है उस पोल्यूटेड जगह पर जो है वो पढ़ रहे हैं, जहाँ पे जो है गाय भैंसे जो भी चल रही है सब कुछ है, ना कोई बाउंड्री है, और जो प्रॉपर इनकी जगह है स्कूल वालों की उन्होंने टॉयलेट बना दिया है। साथ ही बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिससे उनके ननिहाल को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं कि इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अब देखना ये है कि प्रशासनिक अधिकारी कब तक इन गंभीर समस्याओं को दूर कराकर छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे पाते हैं या नहीं। सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।